कितना हिलाओगे बे, हिलाते हिलाते तेरा मन नहीं भरता है भोसड़ी के। दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि आप अपने चेहरे पे चमक कैसे ला सकते हो। बहुत सारे भाई मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि चेहरे पे चमक नहीं है, पिंपल्स भरे पड़े हैं, क्या करें कि चेहरे पे चमक आ जाए। दोस्त, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि महंगे महंगे क्रीम लगाने से चेहरे पे कोई फायदा नहीं होती है। कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो, आपका चेहरा चमकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विश्व के सभी लोगों का चेहरा चमक रहा होता। पुराने जमाने के ऋषि मुनियों को देखो, उनका चेहरा वैसे ही चमकते रहता था। क्या वह कोई क्रीम लगाता था? क्या वह बार बार फेस वॉश से फेस को धोते रहते थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों उनके चेहरे हमेशा सूर्य की तरह चमकते रहता था? इसका कारण यह था कि वो अपने शरीर को अंदर से क्लीन करके रखता था। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि शरीर को अंदर से आखिर सफाई कैसे करते हैं? तो सुनो, इसके लिए सबसे पहले आपको आँख, कान, नाक, मुंह सब पे कंट्रोल करना होगा। अर्थात अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना भी है। कोई भी गलत चीज़ न ही देखना है, न ही सुनना है और ना ही बोलना है। दूसरा आपको करना है, अपने पेनिस पे कंट्रोल रखना होगा, उसके साथ खेलना नहीं है आपको। हमेशा यह मान के चलो कि जैसे हमारे शरीर का बाकी अंग है, वैसे ही हमारी मूत्र इंद्रियां भी है। जितना हो सके आपको इसको कम से कम टच करना है। अगला जो मैं बताने वाला हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है आपके शरीर से गर्मी को एवं गंदगी को बाहर निकालने में। दोस्तों, अगर आप पानी कम पीते हो ना, तो जितना ज़्यादा हो सके पानी पीना स्टार्ट कर दो। जब तक आप दिन में 5 से 10 लीटर तक पानी नहीं पियोगे, आपके शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। इसके साथ साथ आप ये फास्ट फूड हमेशा खाते रहते हो ना, उसको भी बंद करना होगा। इसके बदले आप फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दो। संतरे का जूस, गाजर का जूस एवं बीट का जूस जितनी चाहे उतनी मात्रा में आप पी सकते हो। ये सारी बातें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो ना, तब आप अपने चेहरे के ग्लो को देखकर सोचोगे कि काश ये मुझे पहले पता होता। इसके अलावा शरीर के बाहर की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस नारियल के तेल से चेहरे पर मसाज कर सकते हो आप। अगर ये घरेलू नुस्खे भी आप अपना लेते हो ना, तब भी इसके रिजल्ट को देखकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।